हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का या अप्लाइड मैकेनिक्स का, उसमें जो चैप्टर है फ्रिक्शन, उसका एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ डिफरेंट टाइप की। इससे पहले भी मैं बहुत सारे फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल डाल चुका हूँ, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके देख लें। उसमें लिंक दी, मैंने डायरेक्ट एक टॉपिक लिखा उसके सामने एक लिंक दी है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वीडियो पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले न्यूमेरिकल समझते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 न्यूटन, मतलब क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन, इज केप्ट इन पोजिशन ऑन अ प्लेन, एक प्लेन है जिसके ऊपर रखा हुआ है। अब जो प्लेन की पोजिशन है कैसी है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, मतलब एक प्लेन है जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, उसके ऊपर एक 100 न्यूटन का वेट रखा हुआ है। डिटरमाइन द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पी, मतलब जो पी है मैग्नीट्यूड फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उसका हमें पी की मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी निकालना, कितना फोर्स लग रहा है पैरेलल टू द प्लेन, जो प्लेन है उसके पैरेलल लग रहा है, व्हिच विल स्टॉप द वेट फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स। याद रखें यहाँ पर एक बर्ड आया डाउनवर्ड्स, इसमें न्यूमेरिकल में कुछ डिफरेंस है ये, अगर यहाँ अप आता तो कुछ और होता और डाउनवर्ड से उसका उससे डायग्राम कैसा बनेगा वो समझ लेते। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया 0.25। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हम सिर्फ एक नोट करते हैं, वो है म्यू इक्वल टू म्यू का, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया 0.25। इसके बाद कुछ नोट नहीं करेंगे, सारा डायग्राम में बनाएंगे। तो डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं और समझते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएंगे इस तरह। वो कह रहा है इससे एक प्लेन इंक्लाइंड है, कैसा है इंक्लाइंड है, एक प्लेन कितना इंक्लाइंड है 30 डिग्री। इसके ऊपर क्या बोला, एक बेट रखा हुआ, कितने 100 न्यूटन का एक बेट रखा। बेट रखने का तरीका देखें, इस लाइन से और बेट की लाइन कैसी होनी चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, यहां पर भी 90 डिग्री होनी चाहिए ऐसी, दोनों के बीच में कैसा बना 90 डिग्री, यहां भी इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब हम यहां पर बेट लगाएंगे, कहां पर बेट लगाएंगे, बेट लगाने का तरीका देख लें, इस तरह बीच में एक पॉइंट लगाएं, बेट हमेशा वर्टिकली लगाएं, मतलब नीचे की ओर सीधा वर्टिकल, ये जो लाइन है इसके पैरेलल भी लगाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा वर्टिकल कैसा लगेगा। इस तरह मैंने वर्टिकल लगा दिया, यहाँ पर एरो बना दिया, क्योंकि कोई भी बॉडी है उसका वेट हमेशा नीचे की ओर एक्ट होता है, वर्टिकली होता है। ये कितना दिया यहाँ पर देखेंगे 100 न्यूटन दिया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 100 न्यूटन। अब हम देखेंगे ये बॉडी है, इतना हमें सिर्फ डायग्राम में दिया है और हमें ऐसे क्या कह रहा है कि जो बॉडी है वो स्लाइड नीचे की ओर हो रही है, नीचे की ओर स्लाइड हो रही है डाउनवर्ड्स, याद रखें डाउनवर्ड्स हो रही है। जब स्लाइड डाउनवर्ड्स होती है उसको रोकने के लिए क्या होगा, जब यहाँ पर इस प्लेन पे स्लाइड डाउनवर्ड हो रही है मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है तो बॉडी को रोकने के लिए या बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है, जो क्या करती है बॉडी जिस जिस ओर स्लाइड हो रही है उसकी अपोजिट में क्या होता है एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो उस बॉडी को स्लाइड होने से रोकने की कोशिश करता है। तो हम देख रहे हैं बॉडी नीचे की ओर स्लाइड हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, इस तरह लगेगा, याद रखें क्यों लगाया ऐसा समझ में आ रहा होगा। ये देखें डाउनवर्ड्स, यहाँ अपवर्ड्स होता तो बॉडी ऊपर की ओर स्लाइड होती, ये बर्ड का हमेशा याद रखें जहां डाउनवर्ड्स आता लिखा हुआ वहां पर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इधर बॉडी जिधर नीचे की ओर हो रही तो उसके अपोजिट डायरेक्शन लगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है इसकी एरो की डायरेक्शन इधर क्यों हुई। अब हम जानते हैं हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना जो इसको रोक सके, क्या निकालना है पी निकालना, पी का मैग्नीट्यूड निकालना मतलब इस बॉडी को रोक सके। तो याद रखें इस पी तो हमें निकालना है, इसका तो कोई मतलब नहीं, लेकिन बॉडी नीचे की ओर स्लाइड हो रही थी इसलिए इस पी को निकालना, लेकिन हमारा फ्रिक्शन फोर्स इस नीचे की ओर स्लाइड हो रही थी इसलिए कैसा लगा ऊपर की ओर लगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी स्लाइड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ऐसा लग गया हमें पी निकालना है। अगर यहाँ अप बोलता मतलब ऊपर को खींच रहा है तो बॉडी ऊपर की ओर मूव हो रही होती, ऊपर की ओर मूव हो रही होती तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगता नीचे की ओर लगता, मतलब ये डायरेक्शन कैसी होती नीचे की ओर, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए मैंने एरो ऐसा लगा। इस न्यूमेरिकल का डिफरेंस आप समझने की कोशिश करें और याद रखें हमेशा डाउनवर्ड वर्ड्स आता है तो पी की और एफ की डायरेक्शन एक ही करते। अब ये तो होगा फ्रिक्शन फोर्स की बात, ये पी निकालना, अब बॉडी एक्ट हो रही किसी प्लेन के ऊपर तो उसका कुछ वेट लगेगा उस प्लेन के ऊपर या कुछ वेट एक्ट करेगा तो उसके अपोजिट में एक क्रिया होगी, विपरीत क्रिया होती है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं, तो मुख्य क्रिया क्या होती है रिएक्शन फोर्स लगता है, मतलब उस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा रिएक्शन फोर्स लगेगा, बॉडी नीचे की ओर एक्ट हो रही तो रिएक्शन फोर्स हमेशा जो बॉडी है उसके कैसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा उसको डोनोटेट करते आर से, आर से डोनोटेट करते। अब
अब क्या करते हैं, हम जानते हैं ये वेट नीचे पार्टिकुलर, अगर इसकी डायरेक्शन देखें रिएक्शन फोर्स की इस तरह है, तो इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, जो एंगल बनता है वो हमेशा जितना एंगल यहां बनता है उतना ही एंगल यहां पर बनता है, याद रखें इसको, जितना एंगल यहां होगा उतना ही एंगल यहां होगा। अब इतना समझ में आ गया कि ये वर्टिकल फोर्स हो गया, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मींस होता है कि अगर कोई फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है किसी भी एंगल पर, उसको दो अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेट करना है, डिवाइड करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब याद रखें, अगर कोई फोर्स 90 डिग्री पर लग रहा है तो जो जिस फोर्स की जितनी मैग्नीट्यूड होता है, जितनी क्वांटिटी होती है, उतना ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो अगर उसको रिजोल्व करेंगे 90 डिग्री पर तो जो कॉस में करेंगे तो कॉस 90 जीरो होता है और साइन 90 वन होता है, तो वन वन कैंसिल हो जाता है दोनों तरफ जब हम रिजोल्व करते हैं, इसलिए हम उतनी मैग्नीट्यूड उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर किसी एंगल पर लग रहा है तो उसको दो डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हम देखेंगे जो 100 न्यूटन है एक 30 एंगल पर लग रहा है, तो इसको हम किधर, एक तो जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये वर्टिकल डायरेक्शन इधर रिजोल्व कर सकते हैं, एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर की ओर यहां इधर रिजोल्व, अगर इसको इधर रिजोल्व करेंगे तो डायरेक्शन कैसी, इधर की होगी, इसको इधर रिजोल्व करेंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। हम देखते हैं कि जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है अगर उसकी ओर हम रिजोल्व कर रहे हैं तो हमेशा कॉस लेते हैं, कॉस के साथ क्या क्या लेते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो ले लेंगे 100 इंटू कॉस और जो एंगल दिया रहता है, याद रखें जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस लेते हैं। अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो साइन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 साइन 30 डिग्री। अब देखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स P हो गया, F और 100 साइन 30 एक ही डायरेक्शन में हो गए, और R और 100 साइन कॉस, ये 100 कॉस 30 अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसको दो डायरेक्शन रिजोल्व करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली और दूसरा वर्टिकली। तो फ्रेंड्स इसको रिजोल्व करते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मीन्स होता है जितने भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है उन सबका योग जीरो के बराबर होता है, एक सिग्मा एच कर लो जीरो से डिनोट करते हैं, देखते हॉरिजॉन्टल में कौन सा एफ लग रहा है, और नहीं सॉरी इसमें 100 साइन मतलब एफ की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन सेम है, मतलब एफ और पी सेम डायरेक्शन में होगा तो उनको हम प्लस कर देते हैं, मतलब पी प्लस एफ, ये देख रहा है 100 साइन 30 अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एफ और पी सेम डायरेक्शन में हो गए और ये 100 साइन 30 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम माइनस ले लेते हैं, 100 साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम देखते हैं हमें किसके पी के टर्म में निकालना, तो पी इक्वल टू हो जाएगा, ए जो माइनस से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 100 साइन 30, एफ उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो पी इक्वल टू 100 साइन 30 इक्वल टू होता 0.5 माइनस एफ। हम देखेंगे पी इक्वल टू 100 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 50 हो जाएगा माइनस एफ। अब एफ की वैल्यू अगर निकालें तो हम जानते हैं जो एक ही फॉर्मूला हम जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन से, एफ अपॉन क्या होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के रेशियो को या अनुपात को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम यहाँ एफ की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं एफ की जगह, म्यू इंटू आर, पी इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस म्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू रख सकते हैं, म्यू की वैल्यू हम जानते हैं कितनी 0.25 है, तो 50 माइनस 0.25 इंटू आर। इस तरह देखेंगे यहाँ पर दो अननोन है, क्या है, एक तो पी अननोन है, आर है, तो हमें किसी एक की वैल्यू निकालने पड़ेगी जब ही हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होगी, हमने इसको इक्वेशन वन मान लिया। अब फोर्स को रिजोल्व करेंगे कैसा, वर्टिकली, तो रिजोल्व कैसा करेंगे, वर्टिकली। वर्टिकली हम जानते हैं जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लग रहे हैं उन सबका योग कैसा रहता है, जीरो के बराबर, मतलब सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, तो वर्टिकल फोर्स आर लग रहा है और 100 कॉस 30 लग रहा है, तो हम यहां रख देंगे क्या हो जाएगा, आर, आर को अगर पॉजिटिव लिया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसको कैसा लेंगे, माइनस लेंगे, तो हम यहां रख देंगे माइनस 100 इंटू कॉस 30 इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू कॉस 30। अब हम कॉस 30 की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, आर इक्वल टू 100 इंटू, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है 8.66, क्या होता है 8.66, 8.66 होती है, कैलकुलेटर में कॉस 30 रखेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। अब आर इक्वल टू अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी 86.60 न्यूटन। हमने यहां पर आर की वैल्यू निकाल ली, आपको दिख रही होगी 86.60। अब इस आर की वैल्यू को अगर इस आर की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें
तो हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी, इसी को आंसर निकालना। तो हम रख दें यहां पर, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है मेरे पास, पी इक्वल टू 50 माइनस 0.25 इंटू आर। पी इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 0.25 इंटू आर की वैल्यू क्या है 86.60। यहां रख देंगे जी 86.60, राइट। इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लगभग 21.65, इतना आएगा। अगर 50 में इसको माइनस कर देते तो आएगा समथिंग 28.35 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने जो पी की वैल्यू क्या निकाली यहां पर, जिसको फाइंड आउट करना था पी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 28.35 न्यूटन, यही आंसर निकाला था। तो फ्रेंड्स अगर आपको न्यूमेरिकल इजी लगे, मेथड इजी लगे, कई बार वैल्यू क्या होती है कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको कैलकुलेट करके चेक कर लें, लेकिन प्रोसीजर सही होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।